हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा HDFC बैंक जो होता है उसका एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है और इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सारे बात करेंगे इस वीडियो में और इसे डायरेक्टली यूज़ भी करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा और साथ में बेल आइकन दबाना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के बाद। सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे आपको बेल आइकन आ जाएगा, उसे दबा दीजिएगा तभी आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सिंपली इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और ये कह रहा है कि लॉगिन। जैसे कि हम पहले रजिस्टर करें नहीं, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लॉगिन तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो पासवर्ड है वो हमें बनाना पड़ेगा, मतलब लॉगिन कर एक बार वन टाइम लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे सेट, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट 4-डिजिट पिन। मतलब हमें इसमें जैसे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं वैसे करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम फेसबुक को लॉगिन करते हैं, जैसे नंबर डाल करके, ऐसे इसमें आपको रजिस्टर नंबर आपको ऊपर वाले में डालना होगा, यहाँ पे रजिस्टर नंबर डालना होगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कस्टमर आईडी। तो पासवर्ड टाइप में यहाँ पे ये कस्टमर आईडी वहीं से मिलता है, उसे डालना होता है। जैसे डालेंगे आपका ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट लगेगा और OTP आएगी और ऑटोमेटिकली OTP डिटेक्ट कर लेगा, या फिर दूसरे फ़ोन में होगा तो आपको डालना होगा। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन देना है, मंथ डालना है, यहाँ पे ईयर डालना है आपको, और यहाँ पे पिन, जो डेबिट कार्ड का जो पिन है वो डालना होगा, देख सकते हैं लिखा भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का आपको पिन बनाना पड़ेगा, जो कि एक जैसा पिन रखना है आपको, तो डेबिट कार्ड का नहीं है ये, ध्यान रखिए एप्लीकेशन का ये। उसके बाद रिपीट डालना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे कंटिन्यू पे। उसके बाद आपका ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे जो शुरू में दिखा रहा था कि लॉगिन करने के लिए, वही आप फिर से दिखा रहा है। उसके बाद आपने जो अभी डिजिट डाले हैं इस ऐप का, वो आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। सक्सेसफुली आप लॉगिन हो चुके हैं और आपका बन चुका है, आप जब मर्जी लॉग आउट लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मोबाइल रिचार्ज, DTH प्लान और बिल पेमेंट वगैरह सब कर सकते हैं, और साथ में आप इसका स्टेटमेंट वगैरह ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा यहाँ से आपका। आप पासबुक वगैरह सब चेक कर सकते हैं। तो ये टोटली आपका मिनी पासबुक ही बन जाता है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन आपको होते हैं, और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद इस तरह से आएगा, फिर से आपको यही पिन डालना है जो एप्लीकेशन पिन मैंने आपको बताया था, उसके बाद फिर से लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बैंक से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ तो देखना ना भूले। और दोस्तों एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशूज़ आता है, तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई से भी वीडियो में कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर कर दूँगा। कोई भी ATM कार्ड से रिलेटेड, कस्टमर केयर से नंबर या फिर बैलेंस वगैरह चेक करना है, आप मिस कॉल के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ तो वो भी देखना ना भूलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और ये एप्लीकेशन आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या ये बेस्ट है या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।